राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हाल के दिनों में मरम्मत नहीं होने के चलते सड़कों की हालत खस्ता हाल हो गई थी, खराब हो गई थी, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दिल्ली सरकार के निर्देश पर ऐसे सभी रास्तों की अब मरम्मत करवाई जा रही है। और आपको बता दें कि बीते महीने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी, मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत सभी नेता सड़कों पर उतरे थे और दिल्ली की सड़कों को दोबारा ठीक कराने का ऐलान दिया था। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहले की एक तस्वीर और बाद की तस्वीरें हैं। वसुंधरा एनक्लेव की ये तस्वीरें हैं और बनने के बाद इस वक्त नज़ारा जो है आपके सामने है। एक और तस्वीरें आपके सामने हैं, ये बल्लूपुरा की तस्वीरें हैं, पहले जो सड़क टूटी हुई थी वो भी तस्वीरें आप देख सकते हैं और बाद में सड़क को ठीक किया गया उसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये परिवर्तन इस वक्त दिल्ली के कई इलाकों में, कई हिस्सों में इसी तरीके से देखा जा रहा है। सड़कों को लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से भी दौरा किया गया था, अरविंद केजरीवाल भी उतरे थे और उसके बाद जो आदेश दिया गया उसका परिणाम इस वक्त आपके सामने है। दिल्ली में सड़कों की सूरत बदल रही है, इस पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, आप भी सुनिए। तो हमने देखा कि सड़कों की हालत अच्छी नहीं थी, तब मैंने आतिशी जी से निवेदन किया था कि विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ सड़कों पे उतर के दिल्ली की सारी जो PWD की सड़कें हैं उनका मुआयना किया जाए। तो मुझे खुशी है कि इन लोगों ने, सारे हमारे पार्टी के विधायकों ने, लीडर्स ने और मंत्रियों ने सड़क पे उतर के रात दिन वो इंस्पेक्शन किया है और सड़कों का मुआयना किया है। रिपेयर का काम भी शुरू हो गया, रिपेयर का, रिकार्पेटिंग का। तो जिन इलाकों में सड़कों की स्थिति सुधरी है वहां के लोगों का क्या कहना है ये भी आप सुनिए। बहुत टूटे फूटे थे, बहुत गड्ढे थे, सारी प्रॉब्लम तो सारी निकलने वाले, और आम जनता को भी बहुत सारी जनता दिक्कतें थी, लेकिन अब सारा कुछ सिस्टम अपना सुधर गया। पहले तो बहुत ज़्यादा खराब था, रोड पानी भरा रहता था, गड्ढे थे जगह जगह, अब बिल्कुल सही हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। इस सड़क पे पहले गड्ढे बहुत थे, बंदे आते थे उनका बंदों का एक्सीडेंट हो जाता था, लोग बाग चलते थे ठीक से चल भी नहीं पाते थे, मतलब गड्ढे इतने थे और पानी भी रोडों पे बहुत भरा रहता था। अब पहले से काफ़ी ठीक है।